नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद प्रिंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ वाटरिंग पॉट के बारे में। सेल्फ वाटरिंग पॉट का प्रभाव आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग सेल्फ वाटरिंग पॉट यूज़ कर रहे हैं जिससे कि उनके पौधे खराब नहीं होते, लेकिन मार्केट में सेल्फ वाटरिंग पॉट बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आप कबाड़ से जुगाड़ करके किस तरीके से घर पर ही सेल्फ वाटरिंग पॉट्स बना सकते हैं, जिससे कि आप कहीं बाहर भी जाते हैं, कहीं भी होते हैं, आप आसानी से आपके पौधे सर्वाइव करते रहेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम बात करेंगे सेल्फ वाटरिंग पॉट की, तो हमें किसी ऐसी चीज़ की होती है जैसे कि ये कंटेनर। ये कंटेनर इन्वर्टर में पानी देने के लिए कंटेनर ये आता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्या करना है, हमको 20 से इसका आधे से पार्ट इसका डिवाइड यहां से कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसको आधे से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद ये हमारा दो पार्ट पे हो गया है। अब दो पार्ट में होने के बाद इस पर क्या करेंगे, इसका जो नीचे वाला पार्ट है इस पर हम वाटर स्टोरेज के लिए इसको रखेंगे, यानी कि इसमें पानी हम भरेंगे, उतना पानी जितना जरूरत होगी उसकी। इसके अलावा ये ऊपर के पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे, और ये जो ढक्कन वाला एरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसके ढक्कन के इस कंटेनर के हटा देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इसको सेल्फ वाटरिंग पार्ट बनाने के लिए इसमें ज़रूरत होगी कि किस तरीके से इसके ऊपर पानी पहुँचता रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना आएगा, इसके ढक्कन पर एक छेद करना होगा। तो हम इस पेचकस को गर्म करके इसके ढक्कन पर क्या कर लेते हैं, एक छेद यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसके ढक्कन पे हमने यहाँ पर एक छेद कर लिया है, और इस छेद को करने के बाद अब हमें क्या करना है कि एक कोई भी कॉटन का कपड़ा लेंगे, आपके घर पे कोई भी सूती कपड़ा हो कॉटन का, वो कपड़ा हमें यहाँ पे ले लेना है। और इस तरीके से आप बना सकते हैं, या मार्केट में बने बनाए इस तरीके के लंबे रस्सियाँ भी आती हैं कॉटन की, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने अंदर डाल करके इस पर बांध दिया है अच्छे तरीके से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस ढक्कन को हम बंद कर देते हैं। इस ढक्कन को बंद करेंगे और हमारा ये जो पॉट है बनने के लिए तैयार हो चुका है। अब इसको किस तरीके से आपको करना है आपको हम दिखाने वाले हैं। तो इस पॉट को हमने यहाँ पे ढक्कन को बंद कर लिया है। अब जो ढक्कन का आपका ये नीचे वाला पार्ट है, इस पर हमको पानी भर लेना है, उतना पानी भरेंगे जितना कि यहाँ पर ये आपके ढक्कन तक के नीचे हिस्से तक रहे, बिल्कुल ऊपर तक भरना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब नीचे हम यहाँ पे कोकोपीट भरेंगे। कोकोपीट भरने से क्या होता है कि कोकोपीट में नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है, तो क्या होता है ये नमी को अच्छी तरीके से नीचे से एब्जॉर्व करता रहेगा। तो एक लेयर हम यहाँ पर कोकोपीट की डाल देते हैं, केवल कोकोपीट की, और इसके बाद हम जो ऊपर लेयर डालेंगे वो हम मिट्टी और बालू का जो हमारा मिश्रण होता है जिसको हम पौधे इसमें लगाते हैं उसको हम यहाँ पर डालने वाले हैं। तो इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तो ऐसे हम यहाँ पर डाल देते हैं, हमने इसको क्या किया यहाँ पर डाल दिया। अब ये मिट्टी से भर दिया नीचे का हिस्सा कोकोपीट, जो कि एब्जॉर्ब करता रहेगा। और जो ये हमारा जो यहाँ पर हमने पॉट बनाया है, इसमें पॉट के नीचे वाले पार्ट को हम वाटरिंग के लिए रखेंगे, यानी कि उसमें पानी भरने के लिए हम रखेंगे। और इस पर आप कोई भी पौधा लगा सकते हो, जो भी आप पौधा लगाना चाहो। अभी हम यहाँ पर एक कटिंग ग्रो करने वाले हैं, तो उस कटिंग को हम यहाँ पर लगा के आपको दिखाएंगे। बाकी उसका जो फुल वीडियो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इस पर हम दिखाएंगे किस तरीके से आपको कटिंग को ग्रो करना है, वो पूरा का पूरा वीडियो नेक्स्ट आएगा। तो हम इस वाले डिब्बे पर जो नीचे वाला पार्ट है इस पर हम उतना पानी भर लेंगे जितने पानी पे हमारा वो ढक्कन डूबे नहीं और उसकी रस्सी वो पड़ी रहे, इतना पार्ट भर लेंगे। जितना कम होता रहे उतना भरते रहेंगे। इसका फायदा क्या होता है कि अगर आपने ऊपर से वाटरिंग करी, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ ये कटिंग्स लगाई हुई हैं और इस कटिंग्स पे हम ऊपर पानी दे रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा वाटर होगा हमारे इस पर तो वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो नीचे चला जाएगा। और जैसे ही आपकी सतह सूखने लगेगी तो नीचे से जो भी पानी वाटरिंग सिस्टम के अंतर्गत नीचे से पानी आपके ऊपर वाले पार्ट पर आता रहेगा, और थोड़ा सा इसको दबा दीजिएगा तो अच्छी तरीके से कस जाएगा, जिससे यहाँ से एयर वगैरह नहीं ले पाएगा और आसानी से आपके पौधे को पानी मिलता रहेगा। दोस्तों कबाड़ से जुगाड़ करके ये सेल्फ वाटरिंग पार्ट बनाने का आपको आइडिया कैसा लगा, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हमारे वीडियोज आपको लगातार मिलते रहें। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।